हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके आर्ट्स ट्यूटर। आज आम प्लस टू सेकेंड ईयर आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस रो गोटे प्रमुख विषय पर आलोचना करवा जहाँकि फर्स्ट यूनिट रो फर्स्ट चैप्टर टॉपिक है गणतंत्र। तो आज आम गणतंत्र रो अर्थ संज्ञा और तार प्रकारभेद संपूर्ण भाव आलोचना करवा। तो चलो प्रथमे गणतंत्र रो अर्थ, गणतंत्र केउठारो सृष्टि हला बा गणतंत्र रो उत्पत्ति किपरि हला एवं गणतंत्र रो केते गुडे प्रमुख संज्ञा आमे आलोचना करिबा। तो गणतंत्र शब्द टी हेउची प्राचीन ग्रीस रो अवदान एवं प्राचीन ग्रीस नु ही गणतंत्र शब्द रो उत्पत्ति होइतिला। कहा जाए प्राचीन ग्रीस रे प्रचलित सिटी स्टेट बा नगर राष्ट्र व्यवस्था रु गणतंत्र उद्भव हला एवं सही व्यवस्था रे जनसाधारण मध्य क्षमतार शीर्ष रे थिले एवं सेमाने ही राष्ट्र रो शासन बा नीति निर्धारण क्षेत्र रे प्रमुख भूमिका निभाउथिले। तो सही परे गणतंत्र रो इंग्रजी प्रतिशब्द हेउची डेमोक्रेसी एवं एही शब्द दुईटी ग्रीक शब्द रो सम्मिश्रण रे सृष्टि। गोटे हूँ डेमोस जहाँ अर्थ हूँ लोक बा पीपुल एवं अन्यटी हूँ क्राटिया जहाँ अर्थ हूँ क्षमता बा पावर्स। अर्थात गोटे अर्थ में कहना गले गणतंत्र हूँ जनसाधारण क्षमता द्वारा प्रतिष्ठित एक व्यवस्था बा सरकार जो थी जनसाधारण बा लोक मैंने होती सर्वोच्च क्षमतार अधिकारी एवं यही व्यवस्था जनसाधारण निजे निजर शासक बा निजे राष्ट्रर नीति निर्धारण बा आईन तैयारी प्रमुख भूमिका अंशग्रहण करते। सहित आम आलोचना करवा गणतंत्र के प्रमुख संज्ञा उपर। तो गणतंत्र केते गुड़े प्रमुख संज्ञा मध्य गोटे हूँ फरासी दार्शनिक रुसों संज्ञा। रुसों मतरे गणतंत्र व्यवस्था जनसाधारण बाणी ही ईश्वरों बाणी। अर्थात गणतंत्र रे लोक मान मत ही श्रेष्ठ मत। से हीपरि प्रोफेसर सिली मतरे गणतंत्र एक सरकार जो थे प्रत्येक लोकंर अंश रही। से हीपरि गणतंत्र अन्यतम प्रमुख संज्ञा बा लोकप्रिय संज्ञा हूँ आमेरिकार पूर्वतन राष्ट्रपति आब्राहम लिंकन प्रदान कर संज्ञा। तांको मतरे गणतंत्र हेउची लोकमानकर द्वारा ओ लोकमानकर पई शासन व्यवस्था बा सरकार। ए संज्ञा हेउची गणतंत्र एक प्रमुख बा एक विशिष्ट संज्ञा। ता सहित ग्रीक दार्शनिक आरिस्टोटलकर मतरे गणतंत्र एक सुस्थ ओ स्वाभाविक उत्तम शासन व्यवस्था नुहे। एहा बहु लोकंक द्वारा एक भ्रष्ट शासन व्यवस्था। सेपरि प्रोफेसर फागेटकर मतरे गणतंत्र हेउची अयोग्यतार शासन। अर्थात गणतंत्र संपर्क रे अनेक दार्शनिक राजनीतिक विभिन्न प्रकार संज्ञा प्रदान करछन्ते। तापरे आमे आलोचना करिबा गणतंत्र रो प्रकार रे गणतंत्र केते प्रकार ओ कोण कोण। तो प्रकारभेद अनुसार गणतंत्र हूँ दुई प्रकार। गोटे हूँ प्रत्यक्ष गणतंत्र एवं अन्यटी हूँ परोक्ष गणतंत्र। प्रत्यक्ष गणतंत्र को डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहा जाए। परोक्ष गणतंत्र को इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहा जाए। से परे प्रत्यक्ष गणतंत्र रो अन्य नाम हेउची विशुद्ध गणतंत्र। एवं परोक्ष गणतंत्र रो अन्य नाम हेउची प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र।
देखा प्रत्यक्ष गणतंत्र कौन एवं परोक्ष गणतंत्र कौन। तो प्रत्यक्ष गणतंत्र हेउची एक व्यवस्था बा जे गणतंत्र रे जनसाधारण राष्ट्रर आईन तैयारी बा नीति निर्धारण रे सीधा सड़ख अंशग्रहण करती से ही व्यवस्था को प्रत्यक्ष गणतंत्र कहुए। व्यवस्था प्राचीन ग्रीस रे रोम एवं युक्तराष्ट्र आमेरिका सहित वर्तमान समय रे स्विट्जरलैंड रे एही व्यवस्था प्रचलित। सेहिपरि परोक्ष गणतंत्र हेउची जेउ गणतंत्र रे जनसाधारण सीधा सड़क भाव राष्ट्रर नीति निर्धारण रे अंशग्रहण न करि निजर निर्वाचित प्रतिनिधि मानक द्वारा देशर शासन क्षेत्र रे बा नीति निर्धारण रे अंशग्रहण करती से ही व्यवस्था को परोक्ष गणतंत्र कहा जाए। यार सीधा सड़क उदाहरण होची भारत। तो भारत रे प्रचलित व्यवस्था को परोक्ष गणतांत्रिक व्यवस्था कहा जाए। एठारे जनसाधारण सेमानंकर निर्वाचित लोक प्रतिनिधि मानक द्वारा राष्ट्रर शासन क्षेत्र रे परोक्ष भाव अंशग्रहण करती। एठारे आम उदाहरण पारिबा जे मन कर आम देश में वर्तमान जो सरकार कार्य करुच्ची सरकार हूँ एनडीए सरकार बा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अधीन रे नेतृत्वाधीन रे बीजेपी दल केन्द्र रे सरकार गठन करी से ही सरकार को आम सीधा सड़क भाव में भोट दे आमर लोक प्रतिनिधि जरिया आम शासन क्षेत्र में अंशग्रहण कर। तो परोक्ष गणतंत्र रे जनसाधारण सीधा सड़क भाव राष्ट्रर शासन क्षेत्र में अंशग्रहण कर पारती ना किंतु परोक्ष गणतंत्र रे जनसाधारण सीधा सड़क भाव में राष्ट्रर नीति निर्धारण शासन क्षेत्र में अंशग्रहण करती से मैंने दरकार पड़े। तो परीक्षा प्रश्न आसे गणतंत्र शब्दटी के उद्भव है। तो आमर उत्तर हो गणतंत्र शब्दी ख्रीष्टपूर्व पंचम शताब्दी में सृष्टि होता। तो यही टॉपिक पर अनेक समय परीक्षा प्रश्न आसे जे गणतंत्र अर्थ संज्ञा और तहार प्रकार भेद आलोचना कर। तो ये थिला गणतंत्र संपर्क आम एठारे केतोटी माने प्रश्न पर आलोचना करवा। तो गणतंत्र शब्दी क्यों दुईटी ग्रीक शब्द रु सृष्टि एवढ़ प्रश्न आसे ता सहित गणतंत्र इंग्राजी प्रतिशब्द कौन ता सहित परोक्ष गणतंत्र कौन प्रत्यक्ष गणतंत्र कौन गणतंत्र एक प्रमुख संज्ञा प्रदान कर एवढ़ अनेक समय रे यही विषय रु प्रश्न आसे। गोटे विषय मु छाड़ी जोटा हो गणतंत्र केते गुड़े प्रमुख आधार रही से ही आधार ही गणतंत्र तार जो स्थिति मजबूत अटे। तो गणतंत्र छ गोटी मुख्य आधार रही गोटी हूँ आईन स्वतंत्रता समानता अधिकार न्याय और भातृभाव यही छटी हूँ गणतंत्र मुख्य आधार। गणतंत्र व्यवस्था रे सर्वदा आईन उपरे शासन परिचालित हुए एवं यही व्यवस्था रे लोक मानंकु पूर्ण स्वाधीनता प्रदान कर दैथाय जेउति पई जनसाधारण शांति एवं सुरक्षा सहित राष्ट्र मध्यरे बसवास करि सामान्य निजरो जीविका निर्वाह कर पारथि। ता सहित समानता गणतंत्र रे प्रत्येक नागरिक को समान बोली विवेचना करा जाए कहारी को कौनसी प्रकार उच्च निश्च धनी गरीब एभली भाव में कौन प्रकार सुविधा सुजोग प्रदान करा जाए ना देशर आईन दृष्टि संविधान दृष्टि समस्त नागरिक समान होती। अन्यटी है अधिकार। तो गणतंत्र व्यवस्था नागरिक मान के गुड़े अधिकार प्रदान कर एवं से ही अधिकार बल से राष्ट्र मध्य बसवास करवा शिक्षा ग्रहण करवा स्वास्थ्य ता सहित
निजर जीविका एवं अन्यान्य सांस्कृतिक अधिकार धर्मी धर्मगत अधिकार एवं अनेक अधिकार प्राप्त होता तापरे अन्य आधार होची न्याय एवं भ्रातृभाव तो न्याय दृष्टि गणतांत्रिक व्यवस्था समस्त नागरिक सामान न्याय प्रदान कराए आईन दृष्टि समस्ते समान एवं राष्ट्रर उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रर नागरिक मानकर स्वार्थ को दृष्टि रखी सेमानंकु न्याय प्रदान कराए एवं राष्ट्र मध्यरे भ्रातृत्व भाव प्रतिष्ठा पाई सर्वदा ध्यान दिया जाए काहेकि ना भ्रातृत्व भाव बिना राष्ट्रर एकता बा अखंडता केबे मध्य हासिल करि पारे नाही बा राष्ट्र तिष्ठि पारे नाही सेति पाई एही सब आधार गुड़िक होची गणतंत्रर प्रमुख आधार एवं एही आधार जो गणतंत्र तिष्ठि रहे तो समस्ते जीके आर्ट स्टूडर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करूँ आम प्रत्येक वीडियो गुड़ी देखु एवं वर्तमान लॉकडाउन समय छात्र छात्री मान जो स्टडी क्षेत्र में पढ़ा क्षेत्र में असुविधा होती निहाती भाव में आम ये वीडियो गुड़िक साहय कर आशा।